टीचर क्या है आज के एपिसोड में मैं एक हेल्थ रेमेडी बताने वाली हूँ। अगर आई मीन टाइम्स ऑफ कोविड आपको अगर गले में कुछ खराश सी महसूस हो या थोड़ी सी हल्की सी सर्दी खांसी हो, और हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आप कोविड पॉजिटिव हो, नॉर्मल सर्दी खांसी भी हो सकती है, तो बेसिकली मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ स्टीम कैसे लेते हैं। तो जब भी हमें सर्दी होती है या खांसी होती है तो बहुत लोग घर पे स्टीम लेते हैं। आई टेक माई स्टीम इन अ डिफरेंट वे, और मेरे स्टीम में बहुत सारी इन्ग्रीडियंट्स होती है, तो वो ये सारे इन्ग्रीडियंट्स मुझे मेरी दोस्त सोनिया ने बताए हुए हैं, बिकॉज शी इज़ वेरी वेरी मच इन टू यू नो हेल्थ रेमेडीज़। तो आज मैं उसकी बताई हुई रेसिपी करने वाली हूँ और स्टीम लेने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले आपको लगेगा एक बर्तन, अगर आपके पास स्टीम मशीन है नहीं तो, और अगर आपके पास स्टीम मशीन है तो भी बर्तन में ही करिए, क्योंकि रेसिपी वैसी है। ओके, तो बर्तन में गर्म पानी बनाना है तो बेसिकली पानी चाहिए पहले, तो इस बर्तन में मैंने पानी ले लिया है। और सबसे पहले हमें लगेगा प्याज, तो मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है पानी, और सबसे पहले हमें लगेगा प्याज। प्याज को बीच से काटो, उसका छिलका हटाओ, उसके बाद लो लेमन ग्रास, फिर लो थोड़ा सा लेमन ग्रास, लेमन ग्रास इसमें डालो, फिर लो थोड़े बहुत पत्ते पुदीने के, और पुदीना भी इसमें डालो, लौंग डालो, फिर लो आधा चम्मच अजवाइन, एक्चुअली इतना लो, अच्छा खासा लो अजवाइन, अजवाइन डालो। सबसे पहले डालो एक पूरा कांदा, उसे आधा काटो, उसके छिलके निकालो, ऐसे पूरा कांदा अंदर डाल दो। उसके बाद हमने डाला है लेमन ग्रास, पुदीना, लौंग, अजवाइन, और अब मैं डालूंगी एक चम्मच हल्दी। That's it. इसे थोड़ा सा मिक्स कर दो। अब इसे बहुत अच्छे से बॉईल होने दो, क्योंकि ये जितना बॉईल होगा उतनी ही अच्छी उसमें से स्टीम निकलेगी, और जितनी अच्छी उसमें से स्टीम निकलेगी उतना ही हम अच्छे से वो स्टीम लेके हमारा गला, हमारा नाक क्लियर कर पाएंगे। सो लेट्स जस्ट वेट एंड सी एंड वेट फॉर इट टू बॉइल। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। ओके, तो ये जो पानी हमने बॉइल करने के लिए रखा था वो पूरी तरह से बॉइल हो चुका है, और अब मैंने लिया है एक टाल, और उस टाल को मैं ऐसे करने वाली हूँ, और रुको, इसका ढक्कन जैसे मैं निकालूंगी वैसे स्टीम निकलेगी, तो मैं वैसे अपने आप को ऐसे ढकने वाली हूँ और स्टीम लेने वाली हूँ। स्टीम लेते समय इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी नाक से सांस लेते रहे, अपने मुंह से भी सांस लेते रहे ऐसे, और ऐसा मैं करने वाली पूरे 5 मिनट के लिए। तो मैंने अपने बाल बांध दिए हैं, I'm going to be in ready position. Okay. Are you guys ready? Okay, let's go. Mama, 5 minutes ka dal ke saam wala. 12 seconds later. Naak se lena bahut mushkil ho raha hai.
मुंह से लेना, फिर भी मुंह से मैं ब्रीथ करने की कोशिश कर रही हूँ, बट टफ है यार। आई थिंक ना इसकी हमें आदत होनी चाहिए रोज करने की, फिर जाके आप स्टीम अपने मुंह से ब्रीद करके अच्छे से ले पाओ। क्योंकि मैं लोगों को जानती हूँ वो 5-5, 10-10 मिनट तक लगे रहते हैं यार, पर अच्छा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि चेस्ट ओपन अप हो रही है। स्टीम लेते वक्त बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप बहुत लंबी लंबी सांसें लें, ताकि आप जो स्टीम ले रहे हो पूरे आपके चेस्ट तक जाए, बहुत लंबी लंबी सांसें। ओके, तो 5 मिनट हो गए हैं स्टीम लेके। Are you ready to see my beautiful face? कैसी लग रही हूँ मैं? मस्का मस्का, एकदम चका। मेरी पूरी फेस को स्टीम मिला है और मेरे दिल को करार आया है। एक्चुअली अच्छा फील हो रहा है, अच्छा तो फील हो रहा है। तो या ये था एक तरीका स्टीम लेने का इन दीज कोविड टाइम्स। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि आप अपनी चेस्ट को, ब्रीदिंग को क्लियर रखें, और अगर आपको इतना लंबा प्रोसीजर नहीं करना है तो आप बॉइलिंग वाटर में यूकलिप्टस ऑयल के 3-4 ड्रॉप्स डाल सकते हैं और उसकी स्टीम ले सकते हैं। यूकलिप्टस के टैबलेट्स भी मिल जाएंगे आपको केमिस्ट शॉप के पास, वो ग्रीन कलर के टैबलेट्स होते हैं, उन्हें बस कट करके यूकलिप्टस ऑयल बॉइलिंग वाटर में डालिए और उसकी स्टीम लीजिए, उससे भी आपको बहुत आराम मिलेगा एंड यूकलिप्टस इज़ वेरी गुड फॉर यू। ये स्टीम जो है वो मैं दिन में 2 बार लेने वाली हूँ, एग्जैक्टली 5-5 मिनट के लिए। सो या यू गाइस शुड ट्राई टू, अगर आपको थोड़ा थोड़ा सा भी लगे कि थोड़ा सा गले में खराश है, ब्रीदिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, सो प्लीज टेक स्टीम, और जो मैंने सारी रेसिपी बताई है स्टीम की वो फॉलो करिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिए, ये तेजा तेजा क्या है पर लाइक करिए और बेल आइकन प्रेस करिए। ओके बाय।